NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों हमारा मिशन है आपके अंदर डीआई का डर खत्म करना। काफ़ी दोस्तों के अंदर एक हवा बना हुआ कि हम डीआई के क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट दोस्तों हम एक मिशन शुरू किया है हमने कि आपके अंदर जो डीआई का डर बना हुआ ना, इसको हम बिल्कुल से ख़त्म कर देंगे। और इससे रिलेटेड हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो डराने वाले क्वेश्चन हैं, वो सभी हमने आपको करके दिखाए हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसी कड़ी में हम 2020 के क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन बनाया था 2020 का, आज फिर 1 अक्टूबर 2020 शिफ्ट एक में जो क्वेश्चन आए वो आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इससे देख के आप डर जाएंगे कि हाय इतनी इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना डेटा हम कैसे करेंगे। बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको और हमारी वीडियोज़ देखनी है। अगर आपको रियल में डीआई का डर ख़त्म करना है तो आप हमारी सारी वीडियो देखिए जो हमने पीछे बनाई हुई है, और ये वीडियो देखिए आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि आपके अंदर डीआई का डर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं 1 अक्टूबर 2020 शिफ्ट एक में आया हुआ ये क्वेश्चन। दोस्तों डीआई का क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़े, उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आधा क्वेश्चन हमारा वहीं पे हो गया। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर ए, यानी कि जो स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम के अंदर उसको इन्होंने क्या लिखा, ए, ए से इन्होंने डिनोट किया है। और पास्ट, जो पास हुए उनको इन्होंने पी से डिनोट किया है। इन ए कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम फोर डिफरेंट जोन, चार जोन के अंदर जो स्टूडेंट अपीयर हुए और पास हुए उनका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और कितनी साल का, यहाँ पे 4 साल का, 2014 से लेके 2015 तक, सॉरी 5 साल यहाँ पे इन्होंने, 6 साल इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं 2014 से लेके 2019 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें देखें ये हमारे जोन दिए के एल एम एन, ये हमारे चार जोन दिए हुए हैं। और हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट तो क्या है कि जो अपीयर हुए एग्जाम के अंदर अपीयर हुए वो, और दूसरे क्या है जो पास हुए एग्जाम के अंदर वो, और यहाँ पे इन्होंने साल दिए, ईयर यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, ये आ गई स्टेटमेंट आपको समझ में, टेबल समझ में आ गई आपको। जी वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे हम देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में इन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये देखिए व्हाट इज, क्या निकालना है, सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जाम। देखिए जो अपीयर हुए एग्जाम के अंदर वो, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास, यानी कि जो अपीयर हुए वो और जो पास हुए वो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। और आगे क्या, फ्रॉम द जोन के और ऑल द 6 ईयर, सभी 6 सालों के अंदर जोन के अंदर जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और पास हुए उन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। अब देखिए जोन के कौन सा हमारा, जोन के हमारा ये है, इसमें अपीयर हुए कौन से, ये स्टूडेंट है, और पास हुए स्टूडेंट कौन से है, ये है। अब देखिए इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, प्लस में पी वालों को हम प्लस में कर लेंगे, इनका डिफरेंस हम निकालेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया ना कि अपीयर हुए उन सभी को प्लस कर लीजिए, फिर पास जो है उन सभी को प्लस कर लीजिए, और फिर माइनस कर दीजिए।
आ गया समझ में? बिल्कुल इजी है ना जी, वेरी गुड, शाबाश जी। जल्दी से जल्दी आप सभी दोस्त इसका आंसर लिखिए, क्या आंसर आएगा, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इस वीडियो को रोक सकते हैं और बाद में भी इसको करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमें सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। चलिए अगर आप करना चाहे तो इसको आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल इजीली करके देख सकते हैं, बट अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है जी। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये जो है हमारा के अंदर ये है अपीयर जो हुए, इन सभी को हम प्लस करेंगे 780, 804, 720, 750, 840 और 850, इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारा प्लस क्या आ जाएगा, 4730, ये हमारा टोटल आ जाएगा ए जो अपीयर हुए वो, ठीक है। माइनस में क्या करेंगे हम, जो पास हुए, पास हुए वो उनको प्लस करेंगे 320 जमा में 472, 448, 360, 504, 496, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2640, ये हमारा प्लस आ जाएगा। अब ए में से माइनस पी कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2090 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी है ना, है ना जी, वेरी गुड, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं दोस्तों। और डीआई के अंदर सबसे बड़ी बात हमारी यही होती है कि क्वेश्चन को हमें समझना जरूरी होता है, ये कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। अगर आपको ये पता चल जाता ना तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है जी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, और इसमें इन्होंने क्या दिया है ये हम पढ़ के देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए एवरेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर एक, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जाम फ्रॉम ऑल द फोर जोन, यानी कि सभी फोर जोन के अंदर जो पास हुए स्टूडेंट उनका एवरेज निकालना है हमें, और कौन से ईयर के अंदर, 2015 में। अब देखिए 2015 कौन सा हमारा, ये है ठीक है, सभी जोन KL MN, ठीक है, ये चार जोन हो गए, उसमें कौन से स्टूडेंट का एवरेज निकालना है जो पास हुए हैं उनका, ठीक है, पास हुए। अब देखिए इन सभी का प्लस नहीं करना हमें, ये सभी प्लस नहीं करने हमें, करने जो पास हुए हैं उनका प्लस करना। पास कौन से हुए, ये देखिए 472 प्लस में 324 प्लस में 480 प्लस में 840, इन सभी को हम, इन चारों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाई फोर करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। बिल्कुल इजी है ना जी, ये तो आप कर ही सकते हैं यार, बिल्कुल इजी है। तो इसका कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर चाहिए, जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर लिखें, मैं देख रहा हूँ कौन दोस्त इसका आंसर दे रहा है, कितना अच्छे से आप कर रहे हैं जी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, अगर आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझा दिया है जी। चलिए कोई नहीं, इसका मैं अभी सॉल्यूशन दिखाता हूँ किस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है। अब देखिए हमने बात की थी ना कि 2015 में जो केवल पास हुए हैं उनका एवरेज निकालना है, पास हुए कौन से, 472, ये देखिए 472 जमा में 324, ये कर लिया, फिर 480, फिर 840, इन सभी को हम प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2116, ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसको कितने से डिवाइड करेंगे, फोर से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि जोन कितने हमारे, चार जोन हैं, तो चार से डिवाइड करेंगे हम इसको, चार से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 529 हमारा एवरेज आ जाएगा। तो दोस्तों देखा कितना आसान है यार, कितना ईजी है ना जी, बहुत ही इजी है, बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है दोस्तों। हम, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि नंबर एक प्रॉब्लम तो हमारी ये है कि हम पहले ही डर जाते हैं यार, डीआई के क्वेश्चन है हम नहीं कर सकते यार, एक हवा बना हुआ, ठीक है, और दूसरा फिर हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, ये थिंकिंग हमारे अंदर बन जाते, इस वजह से हम प्रैक्टिस नहीं करते, और एग्ज़ाम के अंदर जब जाते हैं तो सोचते हैं डीआई के क्वेश्चन है ना, ये तो हम छोड़ ही देंगे, ये तो हम करेंगे नहीं, तो 10 नंबर तो हमारे यहीं पर ख़राब हो जाते हैं, यहीं पर हमारे गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि डीआई हमें नहीं आता, डीआई हमें आता है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट nimiji.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों, आगे हम क्वेश्चन नंबर
थ्री करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में वही बात आ रही है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझने की जरूरत है, इसमें कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें क्या है, व्हाट इज द रेशो, यहाँ पे क्या निकालना है, रेशो निकालना है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास, यानी कि जो पास हुए फ्रॉम जोन इन ईयर 2017 कंपेयर टू 2018। अब देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर एक पे रेशो निकालना है, किन किन का रेशो निकालना है, जो पास हुए जो स्टूडेंट पास हुए किस जोन के अंदर, के जोन के अंदर, के जोन कौन सा हमारा, ये है के जोन, और इसमें जो पास हुए वो निकालने हैं, और किन किन के बीच में हमें रेशो निकालना है, 2017 और 2018 के बीच में हमें रेशो निकालना है। 2017 कितना हमारा, ये देखिए 360 है, और हमें क्या निकालना है इसमें से, 2018, 2018 कितना है, ये हमारा 504 है, तो इन दोनों का हमें रेशो निकालना है यार, 360 डिवाइड बाय 504 हम करेंगे और इनको काट दीजिए, जो 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 जहाँ जहाँ पे कट रहा है, जितने पे कट रहा है लास्ट में जाके जो आंसर आएगा वो ये हमारा रेशो हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी है ना, बहुत इजी है यार। देखिए और शुरू में ये क्या लग रहा था, हाय इतना बड़ा डेटा, इतने बड़े अक्षर, ये डेटा दिए, डिजिट दिए, पता नहीं यार कैसे होगा क्या होगा, कितना बड़ा ये क्वेश्चन लग रहा था, बट अब जब इसको कर रहे तो कितना इजीली हम आंसर कर पा रहे हैं, है ना जी। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। देखिए ये है हमारा पास जो स्टूडेंट हुए 2017 के अंदर, 2017 में यही है, ये देखिए 360, और 2018 के अंदर कितने हैं 504, ठीक है, 360 और 504, इन दोनों का जब हम रेशो निकालेंगे, दोनों को हम कट करेंगे, आप कट करके देख लेना, बिल्कुल इजीली ये कट हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो कितना आएगा हमारे पास रेशो, 5:7 आ जाएगा, 5:7 इसका आंसर आ जाएगा। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, रेशो कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको पहले वीडियोस करवाई हुई है, अगर आपको नहीं आती ये बेसिक चीज़ें नहीं आते हैं तो आप हमारी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जी। देखा कितना ईजी है यार, कितना ईजी है, हो रहा ना डी आई का डर खत्म आपके अंदर से जी, वेरी गुड। आप करके देखिए यार, आप करके देखिए, जब आप करके देखेंगे ना तो आपके अंदर रियल में मैं बता रहा हूँ आपका डीआई का डर खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो आप हमें भी बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की जी। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में इन्होंने क्या कहा है ये देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, टोटल नंबर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, हु पास फ्रॉम जोन एम, यानी कि जो जोन एम के अंदर पास हुए, जोन एम कौन सा है, जोन एम ये है, और इसके अंदर पास जो हुए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है, इनका हम टोटल करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इन ऑल द सिक्स ईयर, सभी छः सालों के अंदर, इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम जोन एम, यानी कि एम के अंदर जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, ठीक है, इन दोनों का हमें परसेंटेज निकालना है, इसका जो स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट हुए उसका परसेंटेज निकालना है, किसके साथ में हमारा निकालना है, जो पास जो हुए ना उसका निकालना है, अपीयर हुए उसके साथ में हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है जी, दोबारा से आप इसको पढ़ सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम जोन एम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम जोन एम, ये हो गया हमारा। ठीक है, इन ऑल द सिक्स ईयर इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम जोन एम, ये देखिए अपीयर कौन से, ये है, इसके साथ में हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसे आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नहीं हो रहा, ओहो चलिए कोई नहीं, मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ आपको करवाने के लिए जी। चलिए इसको करवा के करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से ये होगा। ये देखिए हमारा एम, एम जोन ये है, इसमें पास हुए स्टूडेंट, इन सभी को हम प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2564, ये हमारा प्लस आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एम जोन के अंदर जो अपीयर हुए स्टूडेंट, अपीयर हुए हैं स्टूडेंट, उनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4275 हमारे पास आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा। अब देखिए हमें इसका परसेंटेज निकालना है, पी का परसेंटेज ए के साथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पी का जो टोटल आया है वो मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई ए का जो टोटल आया है वो, इसको हम ऐसे करेंगे 2564 गुना में 100 बटे हुए 4275, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
59% आ जाएगा। और इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है, ये देखिए अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लगभग इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये लगभग किसके बराबर होता है, ये हमारा 60% के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आ जाएगा, है ना जी। देखिए कितना इजी है, और अभी शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि आप लोग करके नहीं देख रहे, ठीक है। अब वही बात आती है ना, रोटी अगर हमें 10 साल भी ऐसे ऐसे बनाने सिखाई जाए ना, भाई ये बेलन होता है, ये चकला होता है, ऐसे ऐसे बनाई जाती है, ऐसे ऐसे गोल होती है रोटी, हम उसे कितना भी देख ले, कितना भी देख ले, जब तक उस रोटी को हम नहीं बनाएंगे, अपने हाथों से नहीं बनाएंगे, तब तक रोटी बनाना नहीं सीख सकते हम। तो यही चीज हमारे डीआई के अंदर है, आप कितना भी देख लीजिए, वीडियोस कितनी भी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक आप उसे खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आप डीआई नहीं सीख सकते जी। आज आप सभी दोस्तों को डीआई के क्वेश्चन करके देखने हैं, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने हैं अपने आप खुद बिना आंसर देखे। उसके बाद में इसके अलावा जो भी हमारे क्वेश्चन है, अगर आपको हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बिल्कुल इजीली ले सकते हैं आप। तो वहां से आप डीआई के क्वेश्चन करके देख लिए, देखिए बिल्कुल इजीली आपको आ जाएंगे ये क्वेश्चन, अगर नहीं आते तो हम बैठे ना, हमें बताइए आप जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और इसके अंदर क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जोन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास आउट द टोटल ऑफ दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन इज मिनिमम इन ईयर 2019। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ ना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जोन, अब हमें जोन निकालना है, कौन से जोन के अंदर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास आउट द टोटल ऑफ दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन इज मिनिमम। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास टू द टोटल ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर, ये देखिए पास का हमें परसेंटेज निकालना है, किसके साथ में निकालना है, अपीयर के साथ में निकालना है, जो सबसे कम है वो हमें निकालना है। ये थोड़ा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, और डीआई के अंदर एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए ये कैसे होगा, ये देखिए हमें किस में कहा है, ये देखिए 2019 के अंदर कहा है, नंबर एक पे 2019 कौन सा ये है हमारा, और किस किस का परसेंटेज निकालना है, क्या हमें निकालना है, हु पास आउट, देखिए 2019 के अंदर जो पास आउट है, पास आउट कौन से है, 496 है, 315 है, 464 है, ये हमारे क्या, ये हमारे पास आउट है, ठीक है। टू द टोटल ऑफ दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, इनका परसेंटेज इनके साथ में निकालना है, जो स्टूडेंट पास आउट हुए उनका परसेंटेज अपीयर हुए स्टूडेंट के साथ में निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, जैसे के है, के का निकालेंगे, के का कैसे निकालेंगे, पास, पास कितने हुए, 496 गुना में 100 बटे में 850, ये देखिए इसका कैसे निकालेंगे, 496 गुना में 100, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 850, ठीक है। ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा आया के का आया है, ये किसका आया, केवल के का आया, फिर एल का निकालना है, फिर एम का निकालना है, फिर एन का निकालना है, इस तरीके से चारों का निकालना है, और फिर हमें बताना कि सबसे कम किसके अंदर है, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, बट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करके देखना चाहें तो कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, बट अगर ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस तरह के एक क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर करना चाहे तो आप उसको कर भी सकते हैं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन की के लिए हो सकता है आपको 3-4 क्वेश्चन और का टाइम कंज्यूम हो जाए, वो टाइम और चला जाए, तो ऐसा मत करना, आप समझ लेना, देख लेना, जो भी जैसा भी स्थिति हो उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेना, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके देख लेना करना चाहे तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरह से हम बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, और 4 जो क्वेश्चन देखे हमने कितने ईजी थे ना,
जी वेरी गुड। जिन जिन दोस्तों का डीआई का डर खत्म हो रहा है वो सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर 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 मैसेज करना, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मेहनत कितनी काम आपके आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल न्यूज नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आज तक डेटा के जो भी क्वेश्चन आए हैं डीआई के, वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, टीचिंग के अलग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीएस नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2020 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।